बैक टू माई चैनल ब्यूटी सॉल्ट। मैं हूँ काजल राठौर और आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पर। आज जो वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ वो है मेकअप करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है जिससे आप एक अच्छा मेकअप कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों को इस वीडियो में वो सारी चीज़ें बताने वाली हूँ। एटलीस्ट आपको बेसिक चीज़ें तो मैं बता ही दूंगी कि किन किन चीज़ों को आपको लेना चाहिए जिससे आपका मेकअप बहुत अच्छा लगे। तो देख लेते हैं सबसे पहले, और लेकिन आप वीडियो को पूरा देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाली अपडेट ईजिली मिलती रहे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम, जो पहला प्रोडक्ट है हमारा वो है टोनर। तो आप कभी भी टोनर लगाना स्किप ना करें, क्योंकि जो टोनर होता है वो सभी स्किन टाइप वालों के लिए अलग अलग आता है। मेरी स्किन है ड्राई स्किन तो मेरे लिए अलग टोनर है, लेकिन अगर आपको कोई भी टोनर यूज़ नहीं करना तो आप रोज़ वाटर कर सकते हैं। एक्चुअली मैं भी रोज़ वाटर ही यूज़ करती हूँ। गुड वाइब्स का ये रोज़ ग्लो टोनर है और सिंपल जो रोज़ वाटर आता है वो वाला यूज़ कर सकते हैं। तो आप पहली चीज़ है हमारा टोनर। फिर हमारी सेकेंड चीज़ है वो है सीरम। सीरम जो होता है वो आपकी स्किन को एक्स्ट्रा हाइड्रेट करके रखता है, डीपली हाइड्रेट करता है। और क्योंकि जो मॉइस्चराइज़र होते हैं वो ऊपर तक हाइड्रेट मतलब रहता है, मॉइस्चराइज़ करके रखता है, लेकिन जो आपका सीरम होता है वो डीपली मॉइस्चराइज़ करता है आपकी स्किन को। तो सीरम मुझे तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि मेरी ड्राई स्किन है, और सभी स्किन टाइप वालों के लिए अलग अलग सीरम आते हैं। ऑयली स्किन के लिए अलग है, कॉम्बिनेशन ड्राई स्किन सभी के लिए अलग अलग आते हैं। तो वो लोग अपनी स्किन के अकॉर्डिंग सीरम को यूज़ कर सकते हैं और परचेस कर सकते हैं। तो तीसरी चीज है वो है मॉइस्चराइजर। मॉइस्चराइजर आप कभी भी स्किप मत कीजिए, क्योंकि मॉइस्चराइजर अगर आपने स्किप किया तो जो आपका फेस है और जो आपका मेकअप है जो आपने किया इतनी मेहनत वो बिल्कुल खराब हो जाएगी। क्योंकि किसी किसी की स्किन ड्राई होती है तो पूरी तरीके से आपकी यहाँ पे ना स्किन निकलती है, तो वो प्रॉब्लम मुझे भी कभी कभी झेलना पड़ता है। तो मैं तो एक्स्ट्रा ड्राई मतलब हाइड्रेट और मॉइस्चराइज करके रखती हूँ अपनी स्किन को। तो ये आप कर सकते हैं, और पानी बहुत सारा पीजिए तो आपकी स्किन बिल्कुल ड्राई नहीं होगी। और जिन लोगों की ऑयली स्किन है उन्होंने भी जो उनके अकॉर्डिंग जो मॉइस्चराइजर आते हैं या कॉम्बिनेशन स्किन या नॉर्मल स्किन, तो वो उस तरीके से ले सकते हैं मॉइस्चराइजर को। मैं निविया यूज़ करती हूँ, मुझे बहुत पसंद है ये और मेरी स्किन को सूट करता है, तो मैं ये वाला यूज़ करती हूँ। ड्राई स्किन के लिए भी बेस्ट है, तो आप ये वाला यूज़ कर सकते हैं जिन लोगों की ड्राई स्किन है। लेकिन जिस भी स्किन का जो भी टाइप है वो अपने अकॉर्डिंग अपना मॉइस्चराइजर परचेस कर सकते हैं, लेकिन बिल्कुल भी मॉइस्चराइजर आपको स्किप नहीं करना है। तो ये हमारा तीसरी चीज़ थी, आपको मॉइस्चराइजर बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है और आपको लगाना है। तो जो हमारी चौथी चीज़ है वो है प्राइमर। तो जो प्राइमर होता है ये है इनसाइड का मेकअप एसेंशियल प्राइमर 3-in-1। तो ये ऑयल फ्री है, लॉन्ग लास्टिंग है, और इसका जो प्राइस है ये 240 है। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है ये वाला। आप कोई सा भी प्राइमर यूज़ कर सकते हैं। ये प्राइमर क्या करता है, जो आप मेकअप लगाते हैं उसके लिए एक बेस सेट करता है, और जो मेकअप को अंदर तक नहीं जाने देता स्किन में। क्योंकि जो हम मेकअप यूज़ करते हैं उसमें कई तरीके की चीज़ें मिली होती है जो हमारी स्किन को भी हार्म कर सकती है, तो एक बेस की तरह काम करता है। तो आपको प्राइमर लगाना बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तो एक आप प्राइमर भी अच्छे से परचेस कर सकते हैं। अगर एक आपको मेकअप आप सोच रहे कि मुझे इन इन चीज़ों की चाहिए, ज़रूरत है, मैं मेकअप कैसे करूँ, क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए, तो मैं पूरी चीज़ें आपको इस वीडियो में बता रही हूँ। आप एक प्राइमर अच्छा सा परचेस कर सकते हैं। अगर आप मॉइस्चराइजर के बाद प्राइमर लगा रहे हैं तो आपका जो मेकअप बेस है बहुत ही अच्छे से सेट होगा और अच्छा लगेगा। फिर हमारी चौथी चीज़ है वो है शुगर का फाउंडेशन है ये। मतलब आप कोई सा भी फाउंडेशन ले सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, आपका जो भी स्किन टाइप है उस तरीके से आप शेड ले सकते हैं। मैं शुगर का यूज़ कर रही हूँ अभी, जो न्यूली लॉन्च हुआ है। तो ये इस तरीके की स्टिक में आता है, बहुत इजी रहता है इसे लगाना। लिक्विड फॉर्म में भी आता है, अलग अलग तरीके के जो फाउंडेशन आते हैं वो आप परचेस कर सकते हैं। जो आप यूज़ कर रहे हैं आप वो कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। पहले से ये इस तरीके से ब्रश आता है, इसमें आप ब्रश के साथ भी लगा सकते हैं, लेकिन मुझे ब्रश के साथ इतना ज़्यादा पसंद नहीं है, मैं इसे ब्लेंडर से ही लगाती हूँ। ये इस तरीके का आप ले ले पफ ब्लेंडर, जो कि क्या करता है, अगर आप ये लेते हैं ना तो जो आप मेकअप आपका जो सेट होता है वो बिल्कुल अच्छे से सेट होता है। ब्रश से भी हो जाता है, ब्रश में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन मुझे इससे लगाना ज़्यादा पसंद है। और इसे आप कैसे यूज़ करेंगे, वो ये चीज़ है कि आप इसको थोड़ा सा थोड़ी देर पहले से गीला कर लें, अच्छे से मतलब बिल्कुल सोक करके उसका पानी निकालने के बाद में आप इसे यूज़ करें। फिर ये फाउंडेशन आपका अच्छे से सेट होने के बाद में आप क्या करें, एक अच्छा सा कंसीलर लें। कंसीलर में आपको क्या करना है, कंसीलर ये है प्रो कंसीलर और SG हाई डेफिनेशन कंसीलर। तो ये इस तरीके का कंसीलर है, मुझे बहुत अच्छा लगा। इस तरह ये जो लगता है, ये छोटा सा ब्रश आता है इसके साथ,
तो हम आईज पर इसे लगा सकते हैं। कंसीलर हम कहाँ लगाते हैं? हमारी आंखों पर लगाते हैं। कंसीलर से क्या होता है, जो हमारे डार्क सर्कल्स वगैरह होते हैं वो पूरी तरीके से मिट जाते हैं। तो आप कंसीलर लगा सकते हैं, आपकी आंखें सुंदर लगती है। आप आई शेड लगा रहे हैं, काजल लगा रहे हैं, जो भी आप अपने आंखों का मेकअप कर रहे हैं, तो कभी भी कंसीलर को लगाना स्किप ना करें। तो सबसे पहले आपको टोनर लगाना है, फिर मॉइस्चराइजर लगाना है, फिर फाउंडेशन प्राइमर लगाने के बाद में फाउंडेशन लगाना है, फाउंडेशन के बाद में आपको कंसीलर लगाना है। लेकिन मैं पर्सनली क्या करती हूँ, मैं कंसीलर पहले लगाती हूँ फिर फाउंडेशन बाद में लगाती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा पसंद है। लेकिन इसका जो ट्रिक है वो इस तरीके से ही आपको लगाना है। फिर हमारी अगली चीज़ है, ये है कॉम्पैक्ट पाउडर। आप कोई सा भी कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ कर सकते हैं जो आपको सूट करता है, जो आपको अच्छी कवरेज देता है। अभी मैंने ये वाला परचेस किया है, इसका भी मैंने एक वीडियो बनाया है, तो आप देख सकते हैं। ये है पॉप शुगर का ही है ये भी, तो ये वाला कॉम्पैक्ट पाउडर है। कोई सा मेरा जो शेड है 02 बीच, ये वाला कॉम्पैक्ट पाउडर है जो बहुत अच्छी कवरेज दे रहा है और अच्छा भी है, शुगर कंपनी का है। तो आप कोई सा भी कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ कर सकते हैं। लैकमे के आते हैं, मैबलिन और बहुत सारी कंपनी के आते हैं, आप कोई सा भी कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ कर सकते हैं। फिर जो हमारे अगली चीज़ है वो है मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट, वो है काजल, जो कि है मियोन का। आप मैबलिन का, लैकमे का, प्लम का, मैंने प्लम पे भी वीडियो बनाया है। अलग अलग टाइप के काजल आते हैं, आप कोई सा भी परचेस कर सकते हैं। पेंसिल काजल आते हैं, जेल काजल आते हैं, तो ये वाला तो जो है जेल काजल है, और इस तरीके का इसके साथ ब्रश आया था, इस पर भी मैंने इसका एक रिव्यू वीडियो बनाया है, वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। तो इसके साथ क्या चीज़ है, ये इसमें आपको ब्राउज पाउडर भी आता है, ठीक है। मेरे पास एक और आईब्रो जो पाउडर है वो है, जो कि है ब्राउज पाउडर है, जो कि है स्वीस ब्यूटी का 3 ब्राउज पाउडर प्लस 1 वैक्स क्रीम। तो अब ये तो मैंने पहले परचेस किया, ये मैंने अभी परचेस किया है, तो नहीं तो मैं नहीं खरीदती, ठीक है। ये इस तरीके से इसका ब्राउज पाउडर आता है, और इसे ओपन करने के बाद में ये काजल आता है। काजल या आईलाइनर आप कुछ भी लगा सकते हैं, इसके साथ आप काजल लगा सकते हैं, आईलाइनर लगा सकते हैं, अपने ब्राउज को सेट कर सकते हैं। तो ये 3 काम आपके एक साथ कर देता है, मतलब इतना एरिया आपका कंप्लीट हो जाता है इसके साथ। फिर आपको चाहिए एक मश्कारा, मश्कारा भी आपको लेना ही है, क्योंकि जो आपके आईलैशेस है वो बिल्कुल सुंदर लगती है, बड़ी लगती है। अगर आप काजल के पहले उसे लगा रहे हैं तो वो काजल जो आप लगा रहे हैं वो सुंदर लगता है देखने में। तो आपको एक मश्कारा ले लेना चाहिए मेरे हिसाब से, और काजल, ब्राउज पाउडर, आईलाइनर, ये तो सब काम कर ही रहा है, ठीक है। तो आप ये ले सकते हैं। इसके बाद में आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको लिप बाम आप जो यूज़ करते हैं बिल्कुल भी इसे स्किप ना करें। ये भी है शुगर का लिप बाम, जो कि है अभी न्यूली ही लॉन्च हुआ है। ये भी है 02 शेड है इसका, चेरी, और मैंने इसका कलर भी आता है, ये रेड कलर का है, देख सकते हैं आप, और अच्छा लगा मुझे। अभी यही न्यूली लॉन्च हुआ है। कोई सा भी लिप बाम आप यूज़ कर रहे हैं तो आप वो ले सकते हैं, क्योंकि जो आपके लिप्स है वो हाइड्रेट करके रखता है, मॉइस्चराइज करके रखता है अपनी लिप्स को। और तो आप लिपस्टिक के पहले, थोड़ी देर पहले आप लिप बाम लगाइए, उसके बाद में आप लिप बाम लगाने के बाद में जो ब्रश होता है ना उससे थोड़ी सी स्क्रबिंग कर लीजिए, और उसके बाद में आप कंसीलर एंड देन कॉम्पैक्ट, कॉम्पैक्ट लगाने के बाद में आप लिपस्टिक लगाइए, तो बहुत ही अच्छी लगती है लिपस्टिक और बिल्कुल केकी नहीं लगती। फिर ये था हमारा, और उसके बाद में आपको कोई भी बहुत इंपॉर्टेंट, ये है लिपस्टिक। आप कोई सी भी लिपस्टिक यूज़ कर सकते हैं, मेरे पास रहने की भी है, ये है लैकमे फॉर एवर मैट, जो मैंने अभी परचेज की है, जो मुझे बहुत अच्छी लगा इसका कलर, तो मैंने ये वाला परचेज किया। कोई सी लिपस्टिक आप पसंद कर रहे हो तो आप ले सकते हैं। फिर आपको एक चीज़ है ब्लश पाउडर, ब्लश आप ले सकते हैं, जो आपकी स्किन को मतलब आपको यहाँ रेड रेड लगता है बहुत अच्छा, अभी टिंट वगैरह भी आ रहे हैं तो वो भी आप ले सकते हैं। बाद में ये है हाइलाइटर, इस तरीके के शेड है इसमें, इसमें 9 शेड्स है, मैंने ये वाला परचेज किया। कोई सा भी लिक्विड हाइलाइटर या प्लस आप जो ये वाला यूज़ कर रहे हैं तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। तो फिर आप मतलब इसका जो शेड ड्राई वाले आते हैं ना वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, लिक्विड भी बहुत अच्छे रहते हैं, बिल्कुल नेचुरल लगता है देखने में, तो वो आप परचेज कर सकते हैं। तो एक और चीज़ है जो आपको यूज़ करनी है फाउंडेशन से पहले या फाउंडेशन के साथ, वो है इल्यूमिनेटर, जो कि है स्वीस ब्यूटी का, मैंने परचेज किया, इस पर भी एक रिव्यू वीडियो बना हुआ है, वो आप देख सकते हैं, मैं उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, जो कि है पर इल्यूमिनेटर मेकअप बेस। और इससे क्या होता है ना, इसे लगाने के बाद में आपकी स्किन पे बिल्कुल थोड़ी थोड़ी शाइन आती है, जो आप फाउंडेशन के साथ मिक्स करके भी लगा सकते हैं, तो वो अच्छा लगता है, तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। वैसे अगर आप लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, नहीं तो वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन लगाने पे ये अच्छा लगता है तो आप इसे लगा सकते हैं।
या परचेस कर सकते हैं। तो ये था हमारा छोटा सा वीडियो, और जो मेकअप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैंने आपको इस वीडियो में बता दी है। बहुत ही छोटी छोटी चीजें थी जो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर की है। इन प्रोडक्ट्स को आप यूज कीजिए तो इससे आपका मेकअप बहुत अच्छा लगेगा, और इन प्रोडक्ट्स को आप यूज करके आप एक पूरा मेकअप किट रेडी कर सकते हैं। तो आप एक अच्छा मेकअप ढूंढ रहे हैं, मेकअप करने के लिए प्रोडक्ट्स ढूंढ रहे हैं, तो आप इन चीजों को परचेज कर सकते हैं, और इन्हें करिए या कोई सी भी कीजिए, पर इन चीजों की रिक्वायरमेंट रहती है। ठीक है, तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय।